तो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर कोएक्सियली अबव अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। यानी कि हमें एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर, वो 12 सेंटीमीटर पर रखा है कोएक्सियली कॉनकेव मिरर से, और जिसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है 18 सेंटीमीटर। अ ल्यूमिनस पार्ट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड डी सेंटीमीटर अबव द लेंस ऑन इट्स एक्सिस गिव्स राइज टू एन इमेज कॉन्सिडेंट विद इटसेल्फ, देन द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल्स टू। यानी कि एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो डी सेंटीमीटर पर रख दी है, और वो क्या कर रही है कि इमेज हमारी कोइंसाइड कर रही है, तो कोइंसाइड इमेज हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारी इमेज से कोइंसाइड कर रही है, इट्स देन द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल, तो हमसे वैल्यू ऑफ डी पूछा है। तो इमेज इमेज कब कोइंसिडेंट करेगी, जब वो रेज हमारी नॉर्मली गिरे, जब हमारी रेज है वो नॉर्मली गिरे, तो नॉर्मल रेज गिरने के लिए 2f पर हमारा बनना चाहिए, यानी नॉर्मल रेज गिरने के लिए हमारा जो है वो 2f पर आना चाहिए, यानी कि कौन के 2f पर आना चाहिए। तो हमारा जो होगा 2f इक्वल्स टू हो जाएगा, हमारा 18 है तो हमारा 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो है वो 36 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, 36 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, तो हमें 36 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। तो हमारा एफ जो दे रखा है, हमें दे रखा है वो 40 दे रखा है, प्लस 40 वो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की हमें 40 सेंटीमीटर दे रखी है। वी हमारा जो हो जाएगा, वी हमारा कहाँ पे होगा, 12 सेंटीमीटर ये हमारा और ये 36, तो ये हमारा जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा वी। वी हमारा हो गया, वो हो गया 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, यानी कि वी हमारा हो जाएगा -24 सेंटीमीटर। और जो हमें यू दे रखा है वो दे रखा है -d, यू हमें दे रखा है -d, तो ये यहाँ से आया -1/24, इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया लेंस फॉर्मूला, 1/d = 1/40, तो ये हमारे यहाँ पर 1/d यहाँ से आया, वो आया 1/40 + 1/24, तो इसको सॉल्व करके जो हमारे पास डी आ जाएगा वो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। हमारा डी आ गया, वो आ गया 15 सेंटीमीटर। तो अब हम ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।